महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने चौराहे पर किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। भिकनगांव नगर में थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़े चौराहे गांधी चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नुक्कड़ नाटक में खरगोन चाइल्ड लाइन द्वारा और भिकनगांव की महिला पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। नुक्कड़ नाटक में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अन्यायों को सहन न करने और अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने के माध्यम के बारे में जानकारी दी गई। तहसीलदार देवकुंवर सोलंकी ने भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की समझाइश दी। थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोच समझकर अपनी जानकारी साझा करने की बात कही। इस मौके पर नायब तहसीलदार ममता सिमरोट, CMO मनोज गंगराड़े आदि मौजूद थे। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। चुप, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरे को ही मार देंगे और तेरी मम्मी को ही मार देंगे और पूरे गांव में तेरे को बदनाम अलग कर देंगे। नहीं बताऊंगी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्या हो रही है बोल? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, ये मेरी लड़की है, इनकी तबीयत ठीक नहीं। क्या नाम है इनका? छुटकी। बताओ बेटा, नर्स इनकी जांच करो। ठीक है सर, चलो बेटा, चलो बेटा। डॉक्टर साहब लड़की के साथ तो बलात्कार हुआ है। क्या लड़की के साथ बलात्कार हुआ है? हाँ सर। ठीक है, इसकी मम्मी कमला जी, आपकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। क्या बलात्कार हुआ है? भगवान, तूने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कल मुंह ही तेरे से कौन शादी करेगा? आप रोइए मत और बच्ची को मारिए मत। ये पुलिस केस है, आप थाने में जाके इसकी रिपोर्ट करवाइए। नहीं नहीं करवाएंगे, हमको बदनामी से डर लगता है, समाज क्या कहेगा, पेपर में टीवी में हमारा नाम आएगा। ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जो बच्चों की मदद के लिए बनाया गया नंबर है। साहब हम तो अनपढ़ है और हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है। ठीक है, मैं अपने मोबाइल से ही लगा देता हूँ। 10 9 8 ट्रेन ट्रेन। सर नमस्ते, CCC मुंबई से फारूक बात कर रहा हूँ। आपने 10 9 8 पर कॉल किया, ये 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए मदद के लिए टोल फ्री नंबर बनाया गया। सर आप बताएं क्या समस्या है बच्चे को लेकर? सर मैं जिला अस्पताल से डॉक्टर मुकरम खान बोल रहा हूँ। सर अभी अभी मेरे पास एक बालिका आई थी जिसके साथ बलात्कार हुआ है। अच्छा अच्छा, सर आपका गाँव का नाम, शहर का नाम? सर खरगोन जिला। बहुत संक्षिप्त में इतना सा कहना, काफी TI साहब ने कह दिया कि कम से कम जो ऑनलाइन की बात जैसे अभी मनोज सर ने कही, तो जरूरी हर चीज़ हो गई है, समय के हिसाब से सब चीज़ें बदलती रहती, परिस्थितियां बदलती है। तो जहां कल ये होता था कि बच्चों के हाथ को बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, आज मजबूरी हो गई कि बच्चों तक मोबाइल पहुंचाना। लेकिन हमने उनको जिस चीज़ के लिए मोबाइल उनके हाथ में दिया, देकर हम उसकी इतिश्री न करें, उन पर ध्यान रखें कि अगर उनकी क्लास कितनी देर की है, क्या वो उस समय में क्लास वर्क कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह, क्योंकि प्रायः सुनने में आया है बहुत बार कि बच्चों को मोबाइल दे दिया और अपने काम में लग गए कि वो 3 घंटे मोबाइल उनकी क्लास चल रही है, वास्तव में 3 घंटे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स इतना ज्यादा लापरवाह रहते हैं कि तो तेरी मम्मी को और तुझे जान से मार देंगे। ठीक है बेटा, अभी उनको हम पकड़ के लाते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि मैडम, अर्चना मैडम, जाओ खाने से वो सोल्यूशन को पकड़ के लेके आओ। बच्ची के साथ में कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले तो उसके घर वाले ही उसके खिलाफ हो जाते हैं कि हमारे माथे पे कलंक लगा दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने गलती की है उनको आप किसी तरह से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? हम खुद ही कर रहे हैं। उल्टा हम अपने बच्चों को डांट रहे हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो बता भी नहीं पा रहे हैं। ये तो एक घटना थी इस प्रकार की, ये तो जरूरी नहीं है कि हर कोई घटना
जंगल में, हमारे घर में भी हो सकती है, रास्ते में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, दिन में हो सकती है, रात में हो सकती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लाएं कि वो सारी चीज़ें आपको बताएं। और जब बच्चा कोई चीज़ आपको बता रहा है, चाहे आपकी इच्छा हो ना हो, उसको सुनिए, उसको दर्शाइए, उसको दिखाइए कि हम लोग हैं, माता पिता है उसके, उसके भाई बहन है, और उसके लिए, उसकी बात सुनने के लिए है हम। उसमें इतना आत्मविश्वास आना चाहिए कि वो आपके आपके साथ में हर प्रकार की चीज़ें शेयर कर दे। अगर आप उसकी बात को सुनेंगे नहीं, उसकी बातों पे इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे, तो फिर वो आपको कोई भी उसके साथ में जो भी घटना हो रही होगी या किसी प्रकार का कोई कृत्य हो रहा होगा तो आपको कभी नहीं बता पाएगा। तो आप अपने बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस करिए उसमें कि वो सारी चीज़ें आपको बता दें कि उनके साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।